हेलो, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं फिर से तोरण का डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए ये मैं तीन कलर यूज़ कर रही हूँ। तो आपके पास जो कोई भी रंग जैसे बची खुची ऊन हो, उससे भी आप तोरण बना सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने क्रोशिया पे नोट बांधनी है। नोट बांधने के बाद हमने 14 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 चेन लेने के बाद हमने क्या करना है कि पहले वाली जो चेन है इसमें क्रोशिया डाल के हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। फिर हमने 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4 4 चेन लेने के बाद हमने नीचे की 3 स्किप करनी, 1 2 3, और चौथे पे जाके हमने सिंगल क्रोशिया से ऐसे ज्वाइन करना है। ठीक है, फिर से हमने 4 चेन लेनी है, 1 2 3 4 4 चेन लेने के बाद फिर से हमने 3 स्किप करनी है, 1 2 3 4, चौथे पे क्रोशिया डाल के हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 बार धागा लपेटना है और लास्ट का जो छोड़ के इसमें हमने ट्रिपल क्रोशिया करना है। सारे फंदों को पहले 2 बार निकालना है, फिर हमने 2 बार निकालना है, फिर से हमने 2 बार निकालना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये चीज़ बच जाएगी हमारी। अब हमने यहीं से शुरू करना है। अब हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 4 चेन लेने के बाद हमने 3 चेन ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा इस जो मोटी ऊन है थोड़ा लंबा बन जाता है 4 चेन लेने से। 3 चेन लेके हमने इसमें इतना लंबा खींचना, जितनी चेन हमारी है बनी हुई 3 वाली, इतना लंबा खींचना हमने धागे को। फिर से हमने इसमें क्रोशिया डाल के फिर से 6 बार हमने ऐसे ही करना है। ये हमारा 6 बार हो गया। अब हमने क्या करना है, इन फंदों को आधे आधे करके निकालना है ऐसे। देखिए, आधे फंदे निकाल लिए, उसके बाद हमने इन्हें बंद कर देना है। ये बंद कर लिया, फिर हमने 2 चेन लेनी है, 1 2 2 चेन लेने के बाद हमने सारे फंदों को एक साथ निकाल देना है। अब हमने इसे भी बंद कर देना है। बंद करके इसमें डाल के हमने सिंगल क्रोशिया करना है। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। एक बार फिर से दिखा देती हूँ। 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद क्रोशिया पे धागा ऐसे लूज करके रखेंगे, इसमें हम डाल के धागे को ऐसे लंबा खींचेंगे ऐसे, जितना हमारी ये 3 की चेन है इतना लंबा खींचेंगे। अब हम 3 बार ऐसे ही जैसे पफ स्टिच बनाते हैं 6 बार बनाएंगे हम, ये 4 5 6। ठीक है, 6 बनाने के बाद अब हमने आधे फंदे निकाल देने, ऐसे निकाल के इन्हें अब बंद कर देना है। बंद करने के बाद 2 चेन लेनी है, 2 चेन लेके सारे फंदों को एक साथ निकाल देना है। बंद करेंगे अब, उसके बाद इसके बीच में जाके सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब मैं ये थोड़ा सा जितना आपको लेंथ चाहिए उतना आप बना लीजिए, थोड़ा सा मैं और बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये जितना लंबा मैंने बनाना था बना लिया है। अब ये दूसरे वाले में हम दूसरा रंग जोड़ेंगे, इसमें बनाएंगे। तो ये मैं ग्रीन कलर इसमें जोड़ रही हूँ, ऐसे जोड़ लेंगे और इसे लॉक कर देंगे। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा जो धागा है इसे भी हम साथ में ही ले लेंगे जब बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 3 चेन लेने के बाद फिर से हमने जैसे पफ स्टिच बनाया था पहले वैसे ही बनाना है, 1 2 3 4 5 6 6 बार बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये यहाँ पे जो चेन है इसके अंदर हमने क्रोशिया डाल के इस चेन के अंदर ऐसे निकालना है। ऐसे पहले इसको एक धागे ऐसे रखेंगे साथ में ऐसे। अब इन फंदों को जैसे हाफ पहले निकाला था वैसे ही निकाल देंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे और अब इन सारे फंदों को निकाल देंगे, लॉक कर देंगे। अब इसमें जाके सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये अब हमारी जैसे ये बनी है ऊपर को ऐसे ही बननी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही बनाते जाएंगे और यहाँ पे जोड़ते जाएंगे। फिर से हम 3 चेन लेंगे, एक बार फिर से दिखा देती हूँ, 1 2 3 3 चेन लेने के बाद धागे से लपेटेंगे, इसके अंदर डाल के फिर से हमने
छह बार, ये हो गया 3 बार हो गया, 4, 5, 6, ठीक है। इस धागे से लपेट लेंगे और अब जो आगे की ये हमारी चेन है इसके अंदर यहाँ पे हमने क्रोशिया डाल के इसको ऐसे निकाल के ले आएंगे और आधे फंदों को हम निकालेंगे पहले, फिर 2 चेन लेंगे और बाकी के बचे हुए फंदों को भी एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, फिर से यहाँ पे लॉक करके इसके अंदर क्रोशिया डाल के सिंगल क्रोशिया करना है, तो ये हमारा ऊपर को इस तरीके से बनता जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। अब इसके ऊपर हमने येलो कलर से बनाना है, ये मैं बना लेती हूँ, फिर ऊपर तक कितना बना के फिर दिखाती हूँ आपको। ठीक, मैंने इतना बना लिया है, ये कुछ इस तरीके से बना है, बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लग रहा है ये। अब हम क्या करेंगे, आपको जितना लंबा बनाना है आप बना लीजिए, उसके बाद अपने दरवाजे की आपने लेंथ के हिसाब से बनाया है, जा पूजा रूम में छोटा सा आपने लेंथ कम रख के बनाया है तो ये आप देख लेना। तो अब हमने क्या करना है, चार चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4, चार चेन लेके ये जो गैप है इसके अंदर हमने क्रोशिया डाल के सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेना। फिर से 4 चेन लेनी है, 1, 2, 3, 4, 4 चेन लेके हमने ये आगे हमारे जो गैप दिखाई दे रहा है उसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करते जाना है। जैसे ये है बीच में गैप, इसमें 1, 2, 3, 4, बस इसी को रिपीट करना है हमने, 4 चेन लेके जो होल है इसके अंदर जाके सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है, 1, 2, 3, 4, पूरा हमने ये ऐसे ही बनाना है, साइड से पूरा बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको कि क्या करना है। देखिए उस तरफ से हमने 4 चेन लेके ज्वाइन कर लिया है ये पूरा साइड से। अब हमने ये कोने पे हमारे यहाँ पे भी हमने ये 4 चेन लेके ज्वाइन करना है, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से इसी गांठ बनती है इसको पीछे वो कर देंगे, 1, 2, 3, 4, और इस गैप में जाके क्रोशिया डाल के ऐसे ज्वाइन कर लेना है। फिर से 4 चेन लेनी, 1, 2, 3, 4, और ये कोने पे जाके जो चेन है इसके अंदर क्रोशिया डाल के हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करके इस धागे को काट देना है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं ये हम काट देंगे, ठीक है, इस वाले धागे को भी हम काट देंगे। तो ये हमारी तोरण पट्टी बनके तैयार हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आई होगी कैसे बनेगी ये, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।